अभी ये जो आप सारा बखेड़ा देख रहे हैं ना, ये वो शॉपिंग है जो कि मैंने आपको दिखानी है इस वीडियो में, जो कि आइकिया से और दुबई से टर्की से डिफरेंट जगहों से मैंने की भी है। क्या क्या है इसमें वो अभी आप मेरे साथ वीडियो में देखेंगे। चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वीडियो शुरू करती हूँ, बट वीडियो शुरू होने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वो है ये। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और लेट्स ओपन दिस मिस्ट्री बॉक्स। क्या क्या है इसमें, क्या नहीं, आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और किस किस्म का आप कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और आप लोगों को आइकिया की फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या हैं, या कारफोर की, या आप पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो क्या चीज़ें शॉपिंग करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो नॉइज़ है ना, ये मुझे लाइव वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करने देता, वॉइस ओवर इस वजह से करती हूँ मैं। जब वीडियो शुरू करो कोई बाहर से, तब गुजरता है कोई टैंकर गुजरता है। एनीवेज, सबसे पहले ज़ातिर अरेबियन स्पाइस जो मैंने आपको बताया था, ये दो बॉटल्स हैं, महरान का है, शायद पाकिस्तान में भी मिल जाए, आई विल लुक फॉर इट। पाकिस्तान में जो हाइपर स्टार है गीगा में, अब चेक इट आउट देयर। ये मेरा हैंडबैग, ये आइकिया से नहीं लिया था मैंने, बट दुबई से ही लिया था एक शॉप से। दिस इज, और इसमें कैपेसिटी चेक करें, एक पॉकेट, दूसरी पॉकेट, ये तीसरी पॉकेट। अब ये मैंने निकाल दिया है तो अब इसको मैं यूज़ करूँगी। ये था कितने का, इस पर प्राइस मेंशन नहीं है और मुझे भी भूल चुका है, क्योंकि इट्स बीइंग टू एंड हाफ मंथ्स, मोर देन टू मंथ्स। बैग हो गया। इसके बाद ये मैंने कारफोर से ली थी, हर्शीज़ की मिल्क चॉकलेट्स, वहाँ पे ऑफ़र आई हुई थी बहुत अच्छी ना, बाय टू गेट वन फ्री थी, या बाय वन गेट वन फ्री, तो ये मैंने उसमें से, हाँ 200 ग्राम्स के साथ 200 फ्री। ये सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं और ये जो है मिल्क वाली हैं, ये ली थी मैंने। अच्छा, दिस इज़ समथिंग, वो लैम्प है जो कि मैं ओपन करके कहीं लगाऊंगी इसको, क्योंकि मैंने इसकी पैकिंग ओपन कर ली तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आइकिया की जो पैकिंग है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है और आप इजीली जो है आइकिया का सामान कैरी कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये वैनिटी पे लगने वाला एक लैम्प का पूरा सेट है जो कि मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, इस तरह से पैकिंग में है ये। उसके बाद आई हैव दिस केबल, ये इसी की है, वैनिटी की ना, नहीं इतना टाइम हो गया मैंने चीज़ें खोल के भी नहीं देखी और मैं खुद भी भूल चुकी हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें थी। वैनिटी की केबल, जो लैम्प है वैनिटी का या लाइट्स है उनकी केबल है, ये जो है इस तरह से दिखाती हूँ, ये टेबल में लाइनर डालने वाले हैं जो आप ड्रॉज में या कैबिनेट्स में नीचे डाल सकते हैं। तो ये मैं जब भी आइकिया जाती हूँ तो ढेर सारे लेके आती हूँ, इस दफ़ा मेरे पास स्पेस इतनी नहीं थी तो मैं ये बस 3 ही लेके आई हूँ इस तरह से। उसके बाद ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं, ये मुझे शायद 2 दरहम या 3 दरहम इस तरह से थे ये ना, ये बहुत रिजनेबल थे तो ये मैंने 3 ले लिए थे। दिस 2 दरहम में पाकिस्तान नहीं, मतलब हुआ लाइक 100 एंड 150 समथिंग लाइक दिस। ये टिश्यू बॉक्स, आई डोंट नो ये कहाँ सीधा आ गया। उसके अलावा ये किचन की ड्रॉज ऑर्गेनाइजेशन ट्रेज हैं, जो स्पून्स में, स्पून्स आप इसमें, या डिफरेंट चीज़ें कोई आप इसमें, पेंसिल्स भी जो है बच्चों के जो स्टडी टेबल होता है उसमें रख के इसको पेंसिल एज अ पेंसिल ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्पून ऑर्गेनाइज़र है किचन के लिए, आप इसको शेल्फ पे रख सकते हैं, किचन की ड्रॉज में रख सकते हैं, अप टू यू, आपने कहा कैसे यूज़ करना है। इसके बाद ये हैं बाउल्स जो कि मैंने आइकिया से लिए थे, ये पूरा मैंने सेट बनाया था, इसके साथ प्लेट्स भी हैं, अंदर ही होंगी कहीं, मैं आपको दिखाती हूँ भी। ये 6 बाउल्स थे इस तरह से आइकिया से, और ये भी 2 या 3 दरहम का एक बाउल था,
बहुत ही रिजनेबल पड़े थे। ये कुशन कवर्स हैं ब्लैक कलर के, अगेन आइकिया से लिए थे मैंने। और ये एक ट्रे है, सर्विंग ट्रे भी आप इसको कह सकते हैं, बेकिंग ट्रे, एज अ बेकिंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पजेज हैं इसके, ट्रे है। अगेन ज़ातर मैं काफ़ी सारा ले आई थी कि इसको मैं, और डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, ये बार्ले का है, वो जो है दूसरा मेहरान का था। ये जो है केक डेकोरेशन, मैंने आपको बताया था ना आइकिया पे हर चीज़ का जो है डिपार्टमेंट है, उधर हर चीज़ मिल जाती है। ये नोज़ल्स हैं केक डेकोरेशन के लिए, और इसके साथ ये इसका जो है ना पैटर्न बनाने के लिए, इसको कोम कहते हैं केक को, अगर आपको शौक़ है आइसिंग करने का, ये कोम जो है इस तरह की, आप इससे पैटर्न दे सकते हैं, इसको केक में आइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक टूल किट है, इसको मैं देखती हूँ, ये ओपन हो गई, दिस वन टूल किट नहीं है बेसिकली, ये जो है ड्रिल मशीन की बिट्स हैं, बहुत काम आती है। मैं पहले भी एक दो दफ़ा आइकिया से इस तरह की चीज़ें लेके आई हूँ, उसमें डिफरेंट तरह की ये बिट्स हैं ड्रिल मशीन के लिए। और सॉरी फॉर द नॉइस, मेरी आधी चीज़ें गिर गया, मैं संभाल लूँ, वापस आती हूँ। जितना आप संभाल के काम कर रहे हो ना, उतना ही बखेरा कभी कभी बिखरता है, जो कि मेरे साथ अभी हुआ। ये है फ्रेग्रेंस जो कि मैंने आई थिंक तुर्की में जो दोलमाबाची पैलेस था, यस दोलमाबाची, यस, उधर से उनकी गैलरी से लिया था। ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, इसको टेपे लगा के हमने रैप किया था क्योंकि ये इसमें से निकल रहा था। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ इसको, क्योंकि मैंने अब खोलना ही है। ये है, और इसके साथ ये स्टिक्स है, ये देखें, ये मैं इसमें ओपन करके स्टिक्स डाल दूँगी, एंड माय होम विल बी स्मेल लाइक एनीथिंग, इट्स टू गुड। अगेन ये कैंडल होल्डर्स हैं, आप इनको एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, इस पर कैंडल्स रख के, बेसिकली ये कैंडल्स रखने के लिए होते हैं, जो कैंडल्स के जार आते हैं ना, उनको आपने थोड़ा खूबसूरत तरीके से घर में सजाना है तो आप ये एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। अगेन आइकिया से लिया था ये मैंने। ये एक कढ़ाई है, इससे पहले अच्छा मैं आपको इस, ये प्लेट्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बाउल दिखाए थे उनकी, ये प्लेट्स हैं, ये रही, ये क्वार्टर प्लेट्स हैं, और इनकी मेन भी प्लेट्स थी आई थिंक, मैंने पूरा ये सेट बनाया था। मैं देखती हूँ अभी, इसी में से कहीं से निकल आएंगी, अंदर ही होंगी, ये रही प्लेट्स इस तरह से। ये हैं उसकी राइस प्लेट्स जो मैं आपको दिखाया, पूरा ये सेट है, ये मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ा था। सारी जितनी भी ये प्लेट्स हैं, क्वार्टर प्लेट्स, सब की प्राइस एक ही थी, 2 या 3 दिरहम पाकिस्तानी, 1 या फिर 100, 102, मतलब 100 से 200 के दरमियान ये प्लेट की प्राइस है। और इसकी क्वालिटी चेक करें हम, कितनी फ़ाइन है और कितनी अच्छी है ये, दैट्स वाई आई लाइक आइकिया। खैर है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं वीडियो बनाते। ये सॉस पैन है, फ्राई पैन, बहुत ही हैवी बेस के साथ है ये, और ये मिला था 149 दरहम्स का। आप दरहम को अब कन्वर्ट कर लें खुद पाकिस्तानी करेंसी में तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इसके साथ ही इसका लिड भी है, ये देखें, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने ये लिए थे सिलिकॉन के केक मोल्ड्स, इस तरह से, ये भी आइकिया से लिए थे। नेक्स्ट है, इसके बाद है ये फिलिप्स की आयरन ली थी मैंने, स्ट्रीम आयरन, क्योंकि मैं स्ट्रीम आयरन ही घर पे मेरे यूज़ होती है, तो ये मुझे कारफोर से बहुत ही रीज़नेबल मिल गई थी।
इसके बाद नेक्स्ट ये हैं कटिंग मैट्स हैं, कटिंग बोर्ड्स से ये जो हैं बहुत इजी टू हैंडल होते हैं, तो ये मैंने मुझे काफ़ी रिजनेबल मिल रहे थे तो 3 ले लिए मैंने ये। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं इस तरह से, और हर इसमें आई थिंक दो मैट्स हैं, कटिंग मैट्स हैं, कटिंग बोर्ड्स कह लें, कटिंग मैट्स कह लें, वट एवर। उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज़र है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, जब आप इसको बनाएंगे तो ये इस तरह का कुछ ये बना हुआ है, इस पर स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा इस तरह से, और आप इसमें कोई भी चीज़ें बुक स्टोर कर सकते हैं, ब्लैंकेट स्टोर कर सकते हैं, इसमें चीज़ें रख के आप बेड के नीचे रख सकते हैं। बहुत ही ये अच्छे रहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स, जो कि मैं काफ़ी दफ़ा आईकेआ से पहले भी लेके आई हूं। ये छोटे से क्यूटू से कटिंग बोर्ड्स हैं, 3 डिफरेंट कलर्स में, ये भी मैंने आईकेआ से लिए थे। आपने देखा है सारी चीज़ें कितनी हिफाजत से आ गई हैं, इवन प्लेट्स और जो बाउल्स हैं कांच के वो भी आ गए हैं, बिकॉज हमने पैकिंग बहुत अच्छे की थी। जब भी मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ, सॉरी अबाउट माई वॉइस और गले की या कफ़ की वजह से, मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ ऑलरेडी आपसे। एक्चुअली हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना इंटरनेशनली, तो हम ये करते हैं, अपने सूटकेसेस तो होते हैं हमारे पास, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के कार्डबोर्ड्स कार्टन ख़रीद लेते हैं, और इसमें सामान सारा पैक करके और फिर हम लोड कराते हैं प्लेन में, तो वो बड़ा सेफली आ जाता है, और जो हैंड बैग्स होते हैं उन पर ख़र्चा बहुत होता है, सीधी सी बात है, तो उससे बेहतर है आप इस तरह के कार्टन्स ले लें और इनमें जो है सामान लेके आएँ। अभी और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, बट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा, आई नीड सब्सक्राइबर्स प्लीज़। तो अब आ जाते हैं बाकी सामान, ये कुछ रैंडम स्टफ़ है, मिक्स एंड मैच है, कुछ मैंने टर्की से बाय किया था, कुछ दुबई से, तो वो इस बैग में है। सबसे पहले है ये मेरी बीबी क्रीम्स गार्नियर की, जो कि मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी, आई डोंट नो पाकिस्तान में आना बंद हो गए हैं क्या, दीज आर अमेजिंग। तो मैंने ये 2-3 इकट्ठी ले ली थी, गार्नियर की बीबी क्रीम है, बहुत ही अच्छी डेली यूज़ के लिए आपकी ये रहती हैं। उसके बाद दीज आर सो ब्यूटीफुल रनर्स, ये रनर्स हैं डाइनिंग टेबल के, जो कि मैंने टर्की से बाय किए थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे ये, बट वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। दिस वन, एक ये है ग्रीन कलर में और एक ये ब्लैक कलर में, जब मैं इसको टेबल पे डालूंगी तो आप मेरी किसी वीडियो में आने वाली में देखेंगे कि इसको मैंने ड्राइंग रूम में कैसे यूज़ किया। उसके बाद आई थिंक ये मेरी कुछ कॉस्मेटिक्स है, जो कि गोल्डन रोज की लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स, जो कि मैंने फर्स्टली तो ली थी कि मैं किसी को ये गिफ्ट कर दूँगी, बट लेटर ऑन मैंने और चीज़ें सबके लिए गिफ्ट्स के लिए ले ली थी, तो ये मेरे पास अभी तक रखी हुई हैं। और ये है लॉरियल का जो है कंसीलर, जो कि मैंने एक टर्की में तकसीम स्क्वायर से रैंडम किसी शॉप से बाय किया था। उसके अलावा ये है मेकअप क्लेंज़र, ये अगेन टर्की से लिया था मैंने, ये दो डिफरेंट तरह के हैं, एक इसमें आई थिंक आई वाला था, क्योंकि अभी टर्की में लिखा हुआ है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके चेक करूँगी कि इसमें से आई मेकअप रिमूवर कौन सा है और नॉर्मल मेकअप रिमूवर कौन सा है। इसमें ज़्यादा मेरी जो है ना वो कॉस्मेटिक्स ही आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ग्रॉसरी क्रॉकरी श्रॉकरी और होम की चीज़ें वो, और ये फिर लोशंस हैं, जो कि आई थिंक दुबई से लिए थे या टर्की से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, निविया के लोशंस हैं। अगेन ये बीबी क्रीम्स हैं गार्नियर की, मैंने आपको बताया मैंने 3-4 इकट्ठी ले ली थी, ताकि मेरा पूरे अगले 1-1.5-2 साल का, जब तक नेक्स्ट ट्रैवल आई डोंट नो कब आएगा, तो मैंने ये ले ली थी। उसके बाद आई हैव दिस सिरप, मलबरी का ये है सिरप है, जो कि आप डेजर्ट्स में और डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जब टर्की में कुकिंग की थी ना, तो ये मैंने वहाँ पे ख़रीदी थी चीज़ें, स्पाइसेस आई थिंक, और बच गए थे। ये तो मैंने ख़रीदी थी स्पेशली ये चिकन क्यूब्स वगैरह, बट ये स्पाइसेस वहाँ पे यूज़ ही नहीं हुए थे, मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी, तो ये मैं साथ ले आई थी अपने।
पैक ही रखे थे, वाई टू वेस्ट। ये सॉल्ट भी मैंने वहाँ ख़रीदा था लेकिन वहाँ यूज़ नहीं हुआ था, ये फिर साथ ही आ गया। छोड़ते हैं हम कहीं कुछ भी नहीं है, जब पैसे स्पेंड किए हैं तो वाई शुड वी लीव। और ये मैंने मैक से वो लिया था, आई थिंक लिपस्टिक ली थी या क्या लिया था, तो ये उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था। मैक से आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे गुडीज़ भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं, या सफोरा पे इन स्टोर, तो वो ये हैं, पोनी टेल्स हैं। ये मैं अनाया को दे दूँगी। जब ऑनलाइन मैं सफोरा से या मैक से शॉपिंग कर रही होती हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे गुडीज़ भेजते हैं, और आपके पास चॉइस भी बहुत सारी होती है ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कि आपने अपने कार्ट में क्या क्या एज अ फ्री गिफ्ट ऐड करना है। माई फेवरेट बाथ एंड बॉडी वर्क कैंडल्स, दे स्मेल सो गुड। और ये मैंने तीन ली थी, डील में थी ये, बाय टू गेट वन फ्री थी, या बाय वन गेट टू नहीं होगा, बाय टू गेट वन फ्री ही। एक ये है ब्लूबेरी शुगर है, एक है वनीला स्नोफ्लेक, उसके अलावा थर्ड वन है ये है मुहागनी ब्लूम्स है के ब्लसम है। ये हो गई कैंडल्स। उसके बाद ये तो वो पैक्स हैं जो कि मैंने बखलावा जो लाई थी सबको मैंने गिफ्ट किया था, इधर ला के दिया था, तो ये उनके साथ अलग से इन्वेलप्स आए थे, तो ये मैंने इसमें ही रखे हैं मैं अभी तक जो बच गए थे। ये है नेक्स्ट बेकिंग पाउडर वगैरह, ये इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ पुडिंग मिक्स है, बेकिंग पाउडर है, ये सारी टर्की से मैंने चीज़ें जो ली थी ये वो है। कुछ बीच में चॉकलेट कैफी है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये रैंडम इस तरह का कुछ स्टफ है इस शॉपर में। और इसके बाद ये है, ये ड्राई शैम्पू है जो कि आपको अगर डेली शैम्पू नहीं करते तो बालों के लिए, ये वैक्स के लिए, वैक्स अगर आप नहीं कर रहे कभी आर्म्स वगैरह पे आपने रेज़र यूज़ करने तो उस पर्पज़ के लिए आप रेज़र, मैं ले आई हूँ, मैं वैसे रेज़र यूज़ नहीं करती, मैं वैक्स करना प्रेफर करती हूँ, और मेरी हेयर ग्रोथ भी वैक्स कर करके बहुत कम हो चुकी है, तो मैं रेज़र ये इस तरह से ब्लेड्स यूज़ करके उसको ख़राब नहीं करना चाहती। ये देख रहे हैं आप, अभी ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो गई है। ये शेविंग जेल्स हैं उमेर की, और ये हैं जिलेट के, उमेर के ही रेज़र्स। ये निविया की क्रीम है जो कि मैंने हैंडबैग में रखने के लिए एक ली थी पॉकेट साइज। उसके बाद ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जब मैं इनको ओपन करूँगी ड्राइंग रूम में रखने के लिए, तो फिर मैं जब ड्राइंग रूम का आपको पूरा टूर कराऊँगी उसमें दिखाऊँगी, अभी मैं इनको ओपन नहीं कर रही। ये न्यूट्रोजिना का हाइड्रा बूस्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है, इसको मैं बस अब ओपन करके यूज़ कर लूँगी थोड़े दिन में। हाँ, माय फेवरेट सफोरा का बैग एंड में पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये निविया का अगेन ये फोमिंग वो है फेशियल क्लीनर फेस वॉश है। ये अगेन पीछे नॉइज़ आ रहा है, आई विल पॉज अ वीडियो फॉर अ वाइल देन आई विल बैक। नेक्स्ट है ये क्लिनिक का मॉइस्चराइजिंग स्रज, ये बहुत अच्छा है, इसका मैंने छोटी पैकिंग ऑलरेडी यूज़ की थी जो कि मैंने आपके साथ तो शायद वीडियो चैनल पर नहीं शेयर की, दूसरे आयशा उमैर वाले चैनल पर सफोरा मेकअप हाउल जो मैंने शेयर किया था उसमें बताया था, ये बहुत ही अच्छा है, तो ये मैंने अब इसकी बड़ी पैकिंग ली थी। उसके बाद ये ब्रो पेंसिल है बेनिफिट की, जिसके रिव्यूज़ मैंने बहुत अच्छे सुने थे, मैं यूज़ करूँगी तो मुझे पता लगेगा ये कैसी है। टार्ट का कंसीलर है, ये अल्ट्रा क्रीमी कंसीलर है, मैं टार्ट का ऑलरेडी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ लेकिन वो अंडर आई को थोड़ा जो है ना, अगर आपके अंडर आईज़ ड्राई हैं तो वो और ड्राई कर देता है, तो ये मैंने थोड़ा क्रीमी वाला लिया है मॉइस्चराइज़र के साथ, तो इसको मैं यूज़ करूँगी तो पता लगेगा कि ये है कि नहीं। ये मुझे सफोरा से गिफ्ट मिला था सैम्पल, ये है आई रिच क्रीम है जो है आपके रिड्यूस करती है सर्कल्स को, पफिनेस को, और रिलैक्स करती है एंटी, ये मैं चीज़ें साइड पे रखती हूँ। उसके बाद ये है सफोरा का मेकअप क्लिनज़र,
मैंने बेसिकली सोफोरा का आई मेकअप क्लिंजर लेना था, लेकिन मैंने ये ले लिया, कोई बात नहीं। ये भी अगेन ब्रो मस्कारा है कि आपने ब्रो सेट कर ली है तो इस उस पर आप सेट करने के बाद इसको अप्लाई कर दें तो वो एक जगह पे रहेंगी, बार बार आपके जो ब्रो की सेटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। अगेन ये बेनिफिट का है। उसके अलावा ये है मेकअप फिक्सर, ये किसी के लिए मैंने लिया है, अब मैंने भेजी नहीं चीज़ें, आई एम टू बदतमीज़, अभी तक नहीं दी चीज़ें, तो ये मैं अब भेज दूँगी इंशाल्लाह। तो अब निकल आई हैं सामने चीज़ें। ये था मेरा सारा उसका सारा आइकिया टर्की दुबई इस्तांबुल से जो कि मैंने शॉपिंग की थी सारी आपसे शेयर की है। आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो। लाइक करें तो अगेन एक ही रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आने वाले तमाम सब्सक्राइबर को आई वेलकम देम विद माई हार्ट। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम अपना ढेर सारा खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।